देश विदेश की सभी खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हर खबर पर है हमारी पहली नजर। नमस्कार, कॉबेट बुलेटिन न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं हिना इकबाल खान। चलिए बात करते हैं आज की खास खबरों की। खबर हल्द्वानी से है। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए भाजपा ने अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया है। हल्द्वानी में आज राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्वयंसेवक अभियान के तहत जिले का प्रशिक्षण शिविर लगाया गया, जिसके बाद मंडल और बूथ स्तरीय प्रशिक्षण किया जाएगा। भाजपा के प्रदेश महामंत्री सुरेश भट्ट ने बताया कि भाजपा एक जिम्मेदार पार्टी है, इसलिए वह देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझती है। जिस प्रकार पिछले एक साल में कोरोना के कारण चाहे वह पहली लहर हो या दूसरी लहर हो, देश और समाज में बेहद विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ा है और विशेषज्ञों द्वारा यह चेतावनी दी जा रही है अभी भी कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है, लिहाजा संभावित तीसरी लहर को ध्यान में रखकर और इसलिए अनुभव के आधार पर भाजपा का कार्यकर्ता एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए लोगों को जागरूक कर लोगों की मदद करेगा, जिसको देखते हुए राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्वयंसेवक अभियान चलाया जा रहा है। राष्ट्रीय स्तर से लेकर बूथ स्तर तक इसमें कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। आप देख रहे हैं हल्द्वानी से, संवाददाता समी आलम की रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में इतना ही। ऐसी ही छोटी बड़ी देश विदेश की खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हर खबर पर है हमारी पहली नज़र। देश का एक जिम्मेदार राजनीतिक दल होने के कारण देश और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को बखूबी वो जानता है। जिस प्रकार पिछले एक साल में कोरोना महामारी के कारण चाहे कोरोना की पहली लहर हो चाहे कोरोना की दूसरी लहर हो, उस लहर में जिस प्रकार से देश और समाज ने बहुत सारी जो परेशानियों का सामना करना पड़ा है, उन सब के अनुभवों को देखते हुए और जिस प्रकार से अनेक विशेषज्ञों के द्वारा ये चेतावनी दी जा रही है, इस बात को आगाह किया जा रहा है कि कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है, तो कोरोना की किसी भी संभावित तीसरी लहर को ध्यान में रखकर और पिछले दो लहरों के अनुभव के आधार पर भारतीय जनता पार्टी एक जिम्मेदार देश का जिम्मेदार पार्टी होने के कारण, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता देश का एक जिम्मेदार नागरिक होने के कारण अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करेगा और अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करते हुए किसी भी संभावित कोरोना की तीसरी लहर को का मुकाबला करने के लिए पूरे देश को जागरूक करते हुए देश को खड़ा करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। जो आज अभियान चला रहे इसके लिए ही भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्वयंसेवक अभियान ये पूरे देश भर में चलाया। राष्ट्रीय स्तर से लेकर बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण करने का कार्यक्रम तय किया गया है। राष्ट्रीय स्तर पर, प्रदेश स्तर पर प्रशिक्षण संपन्न हो चुका है। आज ये जिले स्तर का कार्यक्रम है। जिले का प्रशिक्षण के बाद हर मंडल का प्रशिक्षण होगा, जिसमें हर मंडल के प्रशिक्षण में हर बूथ से दो कार्यकर्ता, एक महिला और एक पुरुष कार्यकर्ता को हम प्रशिक्षित करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपनी जिम्मेदारी निभाएगा, देश और समाज सजग और जागरूक रहेगा तो कोरोना हारेगा, देश जीतेगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी,